नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में। सीएम धामी और एमएलए कैलाश गहतोड़ी की मुलाकात हुई है सीएम आवास पर। दोनों की मुलाकात हुई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी कल दे सकते हैं इस्तीफा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीट छोड़ेंगे कैलाश गहतोड़ी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, तो सीएम धामी के लिए सीट छोड़ेंगे कैलाश गहतोड़ी। और इनकी मुलाकात हुई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना लगभग अब तय माना जा रहा है। सीएम धामी और एमएलए कैलाश गहतोड़ी की मुलाकात हुई है सीएम आवास पर। ये दोनों इन दोनों की मुलाकात हुई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। वहीं चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी कल इस्तीफा दे सकते हैं, तो सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ये अपनी सीट चंपावत की छोड़ेंगे। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, लगातार खबरें आ रही थी चंपावत से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी सीएम धामी की, और अब माना जा रहा है कि कल इस्तीफा दे देंगे गहतोड़ी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि चंपावत की सीट पर अब सीएम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने बताया था कि खटीमा से सटी हुई चंपावत सीट मुख्यमंत्री के लिए सबसे मुफीद है जी। वो वहां से तैयार भी चुनाव लड़ने के लिए, बीते दिनों चुनाव हारने के बाद और मुख्यमंत्री बनने से बाद वो नवरात्र में, पहले नवरात्र पर जब माँ पूर्णागिरी दर्शन करने गए थे, इसके बाद वो चंपावत जिले की खटीमा जो टनकपुर और उसके आसपास बनबसा क्षेत्र का इलाका है वहां का निरीक्षण भी किया था। ये सीधे तौर पर संदेश था कि मुख्यमंत्री अब चंपावत आ रहे हैं। कल रात और आज सुबह कैलाश गहतोड़ी की मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात हुई है। कैलाश गहतोड़ी मुलाकात करके दिल्ली चले गए हैं, शायद वो दिल्ली संगठन में बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे जी। और कल अभी तक की जो जानकारी है वो 11 बजे इस्तीफा दे देंगे विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष को। इसके बाद वो मीडिया से, पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि कल देखिए दिन में मुख्यमंत्री ने भी एक संकेत दिया। जब हम लोगों ने पूछा था कि आखिर सीएम साहब का चुनाव कहां से होगा और कब तक इसकी तैयारी है, तो उन्होंने बहुत अधिक न बोलते हुए कितना संकेत दिया था कि 2 से 3 दिन में पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाएगी जी। और कल यदि मंगल होता और 3 दिन यदि जुड़े तो गुरुवार और शुक्रवार होता है, और गुरुवार को कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा हो रहा है। तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो मुख्यमंत्री ने संकेत के रूप में भले ही बताई हो, लेकिन साफ करती है कि मुख्यमंत्री अब चंपावत ही जा रहे हैं, चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। पहले तमाम अटकलें थी कि धारचूला से हरीश धामी छोड़ सकते हैं, वो कैंट आ सकते हैं, कैंट सीट खाली कराई जा सकती है, पर अब ऐसा नहीं लगता। करीब करीब ये तय है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कुमाऊं से राज्यसभा सीट जो खाली हो रही है उस पर कैलाश गहतोड़ी का नंबर आ सकता है। कैलाश गहतोड़ी को भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं से राज्यसभा भेज सकती है जी। सुदीप, इसके साथ ही साथ कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव कहाँ से लड़ना, उपचुनाव कहाँ से लड़ेंगे सीएम धामी, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं, क्योंकि सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या वो अब कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे धामी जी? ये लगभग तय है, क्योंकि चंपावत से जीता हुआ विधायक जिसके सामने 5 साल का कार्यकाल है, सत्ता में सरकार है, मुख्यमंत्री खटीमा से, तो वो अनावश्यक क्यों इस्तीफा देने आ रहा है? इस्तीफे देने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि मुख्यमंत्री का 6 माह के भीतर उपचुनाव होना है और एक सेफ सीट की दरकार भी है, और इसीलिए शायद चंपावत से कैलाश गहतोड़ी इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनकी दिल्ली भी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री भी दिल्ली होके आए थे, बातचीत करके आए थे जी। तो अब ये लगभग साफ हो चुका है कि धामी के लिए चंपावत की गहतोड़ी छोड़ रहे हैं जी, और गहतोड़ी कुमाऊं राज्यसभा जा सकते हैं जी। ठीक है सुदीप, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में बिजली संकट गहराता जा रहा है, तो आपको बता दें कि सीएम के लिए क्यों मुफीद है चंपावत सीट। सीएम धामी की पुरानी विधानसभा सीट, मैदान पहाड़ वाली इस सीट का कवर करने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा। 51% मतदाता सिर्फ टनकपुर बनबासा में, वहीं जातीय और क्षेत्रीय लिहाज से भी अनुकूल है ये सीट।
पूर्व फौजियों की बड़ी संख्या बीजेपी के लिए लाभदायक हो सकती है, तो सीएम के लिए क्यों मुफीद है चंपावत सीट, जिसकी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, यह सीट लगातार क्यों मुफीद हो गई है, क्यों सीएम धामी के लिए, सीएम धामी की पुराने विधानसभा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बिजली संकट गहरा गया है। 15 मिलियन यूनिट के मुकाबले मुश्किल 5 मिलियन यूनिट ही उपलब्ध हो पा रही है। मंगलवार को भी ग्रामीण इलाकों से लेकर उद्योगों तक कई घंटे की बिजली कटौती हुई। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार सभी इंतजाम कर रही है ताकि ऊर्जा संकट ना हो, तो बिजली के इंतजाम में इस वक्त सरकार जुटी हुई है। उत्तराखंड में अब बिजली का संकट गहराता जा रहा है, हालांकि पहले भी तस्वीरें आती ही रही है। नहीं, उसको लेकर हमने कल भी बात की है और हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी अच्छा रास्ता होगा, अच्छा रास्ता हम लोग करने के लिए, हमारी लगातार समीक्षा जारी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में उसका समाधान निकाला जाए। ऐसा करके कल हमने जो हमारे ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण हैं और ऊर्जा अधिकारीगण हैं, सभी ने हमने चर्चा की, जल्दी हम उसका रास्ता निकालेंगे। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो ज़रूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम? जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए। तो लगातार हमारे संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, उत्तराखंड में पहले भी हमने देखा है कि बिजली का संकट गहराता रहा है और एक बार फिर से ये संकट देखने को मिला है। वहीं तमाम बातें कही जा रही है कि जल्द ही ये संकट दूर हो जाएगा, सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? देखिए, दो समस्याएं ऊर्जा विभाग के सामने आ रही है। तो देश के अलग अलग बिजली घरों में जो कोयले का संकट है, इससे पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। जो टिहरी का डैम बना हुआ है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन का ये केंद्र है, वहां से भी कोटे के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। और जो ऊर्जा विभाग बिजली मार्केट से खरीद रहा है वो बहुत महंगी है, 12.5-13 रुपए यूनिट से भी अधिक बिजली पड़ रही है, आपूर्ति हो रही है। उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी दिक्कत एक तो उद्योगों के लिए है, दूसरा टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। पूरे देश इन देशों से भी श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, ऐसे में उद्योग, कल कारखाने, होटल, लॉज, धर्मशाला, सभी को पर्याप्त बिजली देनी है, पर्यटकों के सामने कोई निगेटिव इमेज ना बने। साथ ही सरकार का जो राजस्व घाटा है ऊर्जा विभाग का, जो 2000 करोड़ के आसपास है, वो भी ना बढ़ने पाए, इस पर भी सरकार का फोकस है। तो कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और आज भी उन्होंने सचिव ऊर्जा जो मीनाक्षी सुंदरम बने हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं से एक्स्ट्रा खरीद होनी है तो करें, कम से कम ये टूरिस्ट सीजन जो है वो बेहतर रहे और उपभोक्ताओं पर अधिक भार भी ना पड़े, ये भी सुनिश्चित करेगा विभाग। लाइन लॉस और जो विद्युत चोरी की घटना है, इस पर भी रेट की कार्रवाई की जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए। ठीक है सुदीप, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। ब्यूरोक्रेसी के फेर बदल पर 21 आईएएस अफसरों के विभाग बदले हैं, अभिनव कुमार सीएम के विशेष प्रमुख सचिव बनाए गए हैं, तो वहीं सूचना की भी जिम्मेदारी अभिनव कुमार को दी गई है। आर मीनाक्षी सुंदरम बनी है सचिव मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए हरीश चंद्र सेमवाल का जलवा फिर से कायम है, एक बार फिर से आयुक्त व सचिव अबकारी बने हैं हरीश चंद्र सेमवाल, एसएस संधु मुख्य स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली बने हैं, वही राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी, राधा रतूड़ी को एसीएस गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं मनीषा पवार को अवस्थापना विकास आयुक्त बनाया गया, उत्तराखंड परिवहन निगम अध्यक्ष बनी है मनीषा पवार, ग्राम विकास राजस्व एसीएस बनाए गए हैं आनंद वर्धन, वहीं रमेश कुमार सुधांशु प्रमुख सचिव वन पर्यावरण संरक्षण बनाए गए हैं। तो लगातार हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप बने हुए हैं। सुदीप, लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अब आगे के अपडेट है उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, फिर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, सबसे पहले सचिवालय में मुख्यमंत्री की टीम तय होनी थी, इसको लेकर बीते शनिवार से कार्रवाई गतिमान थी और सबसे पहले शनिवार को ही न्यूज वन इंडिया ने खुलासा कर दिया था कि आखिर क्या होने जा रहा है।
जी कल जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने फाइल करवाई है मुख्यमंत्री से, उस वक्त भी सबसे पहले जानकारी न्यूज वन इंडिया ने दी, हम ही ने बताया था कि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम बन सकते हैं, उनका कद बढ़ेगा, अनु कुमार का कद बढ़ेगा, उनके पास खेल कूद भी आया है, सूचना के साथ साथ सूचना बड़ा डिपार्टमेंट है। और हमने एक जानकारी और दर्शकों को दी थी कि हरीश चंद सेमवाल और पावरफुल होंगे, तो हरीश चंद सेमवाल मुख्यमंत्री के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और वो सचिव और आबकारी दोनों ही जिम्मेदारी में दी गई है और ये बहुत रेयर होता है, यानी आयुक्तालय से भी आप फाइल चलाएंगे और शासन में फाइल आप ही कभी करेंगे, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी। इसके साथ ही राधिका झा जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज में काफी हनकदार होती थी, वो दिल्ली से लौट आई हैं और अब उन्हें स्वास्थ्य जैसा बड़ा महकमा मिला है। विवादों को देखते हुए पंकज पांडे से स्वास्थ्य तो लिया गया पर उनको औद्योगिक विकास और खनन जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, तो कल मुख्यमंत्री ने अपनी नई टीम विशेषकर अपना सचिवालय दुरुस्त कर लिया है। अब जिलों की बारी है, डीएम कप्तान आयुक्त और कमिश्नर स्तर पर क्या फेरबदल होने हैं, इस पर मंथन शुरू होगा। नई सरकार की नई टीम तैयार है जो सरकार के कामकाज को सरकार के सिद्धे को ठीक है। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी प्रदेश क्षेत्र में आए भेंट की, वहीं मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री सभी फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी तथा जन समस्याओं के समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और उन पर की जा रही कार्रवाई का फॉलोअप भी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं ग्लेशियर टूटने की तस्वीरों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा मार्ग से सामने आई, जहां आप एक पहाड़ी से भारी मात्रा में बर्फ पिघलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्लेशियर के कुछ हिस्सा इस तरह टूटा कि पानी की तरह बर्फ बहती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि हर साल ग्लेशियर के बीच रास्ता काट कर पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कराई जाती है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में शीतकाल में भारी बर्फबारी से बर्फ जम जाती है और इन दिनों यात्रा की तैयारियों को लेकर हेमकुंड साहिब आस्था पथ पर घांघरिया से आगे हेमकुंड साहिब की ओर सेना के करीब 40 जवान बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो को आस्था पथ का बताया जा रहा है और इस साल पिछले सालों की अपेक्षा आस्था पथ पर अधिक बर्फ है। तो मॉनसून सीजन और चार धाम यात्रा सीजन से पूर्व ही उत्तराखंड में गर्मी का सितम बढ़ने लगा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अतिवृष्टि हुई संभावना बढ़ रही है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार इस मामले पर बेहद गंभीर है और हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। देखिए, हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब 17 और 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसकी हमें पहले से सूचना मिल गई थी। उसका ये लाभ हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर उस दिन हमारे यहाँ 1 लाख से भी अधिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर थे और एक भी हताहत नहीं हुआ था। उसको लेकर अभी हम जल्दी और भी, हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा। और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इसी साल से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए हैं। धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में इसी शैक्षिक सत्र से ही नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। धन सिंह ने कहा कि सभी महाविद्यालयों में 100% फैकल्टी के पद भरे जाएंगे और जहां पर कमी बनती है
पदों पर रिक्त पदों के सापेक्ष डीपीसी और गेस्ट फैकल्टी के तहत भरा जाएगा ताकि छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर के पदों को जल्द ही पदोन्नति के साथ भरा जाए। साथ ही सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक कैलेंडर इसी सत्र से लागू किया जाए। इससे ही सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में साल से लागू करना है। दूसरा एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित करना है। एक जो टीचर्स की हमारे यहाँ नियुक्तियाँ होनी उनको मैंने कहा कि जल्दी जल्दी करने हैं, प्रमोशन भी जल्दी करने हैं, शैक्षणोत्तर कर्मचारियों की भी नियुक्तियाँ करनी है। तो काफ़ी हमने एक टास्क बना रखा है कि हमको 30 दिन में क्या करना है, 50 दिन में क्या करना है और 100 दिन में क्या करना है, और साल भर का एक कैलेंडर हम इस बार घोषित कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के जंगल इस वक्त भीषण आग के से धधक रहे हैं। गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों ही जगह वनों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। वहीं वनों में आग की बढ़ती घटनाओं के आगे वन विभाग घुटने टेक चुका है और सभी जिलों के जिला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। वन विभाग के सभी नोडल DFO को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन समेत SDRF और आपदा प्रबंधन QRT के साथ समन्वय बनाकर वनांकित घटनाओं को रोकने के प्रयास करने को कहा गया है। वहीं दूसरे मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है, लेकिन जिस तरह से गर्मी का पारा प्रचंड है उससे फिलहाल वन विभाग की मुसीबत बनी हुई है। में आया था यहाँ अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर के पास में एक रिसोर्ट में कुछ आंशिक रूप से जो है भवन की मतलब एक स्ट्रक्चर की आंशिक क्षति हुई थी, लेकिन इस प्रकार से अभी ऐसी कोई और घटना हमारे पास प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन अब इसमें यही हो रहा है कि हम लोग जो है ज़्यादातर घटनाएं 4-5 दिनों से ऐसी हो रही हैं, तो आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा जो भी हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं उनको कि अभी ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। आने वाले कई समय तक मतलब मई तक भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होने वाली है, टेम्परेचर इसी प्रकार से बढ़ेगा, कंटिन्यूस ड्राई स्पेल रहेगा, तो सभी से ये अनुरोध रहेगा कि भाई वो इस प्रकार से कृषि भूमि में जो आड़ा जलाने की कार्रवाई है वो या तो ना करें या तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाए। मामला प्रकाश में। उत्तराखंड में अभी तक 600 से ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें की कई हजारों हेक्टेयर वन संपदा भी खाक हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं वन विभाग ने तमाम जिलाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम यूं ही और शुष्क हो सकता है, जिससे कि वन अग्नि की घटनाओं में और तेजी आ सकती है। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सामने, लगातार मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, जंगलों में आग लगी हुई है, किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं इस पर काबू पाने की? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो 600 से ज्यादा जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो पूरे उत्तराखंड में आ चुकी है, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जो 7 जिले हैं जिनमें की अटिहरी है, उत्तरकाशी, इसके अलावा पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, इन जिलों पर सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। तो इसी के चलते जो एक हाई प्रोफाइल जो बैठक है वो देहरादून सचिवालय में हुई है, जिसमें की जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल हैं वो मौजूद है, और इसके साथ ही जो फॉरेस्ट विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर जो निर्णय लिया गया है, अब सभी जो जिलाधिकारी हैं जिन जगहों पर की जो सबसे ज्यादा जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उन जिलाधिकारियों से मदद ली गई है कि वो उनसे मदद मुहैया करवाई जाए। तो ऐसा मैं कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से फॉरेस्ट फायर अभी कहीं ना कहीं और आने वाले दिनों में और भी संभावना जताई जा रही है, और भी ज्यादा प्रचंड जो गर्मी पड़ने वाली है और इसके वजह से जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो वही मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं जो राहत की बात है वो पूरे प्रदेश भर में नहीं है, हालांकि 3 से 4 दिनों के बाद जरूर जो मौसम विभाग ने बात कही है कि बारिश जरूर हो सकती है, वो भी अंदरूनी जिलों में। तो ऐसा में कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाओं पर जो लगाम जरूर लग सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर सबसे बड़ी बात करें तो इस वक्त जो कई हेक्टेयर जो जंगल है वन विभाग का वो बिल्कुल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर वनाग्नि की घटनाओं की अगर बात करें तो भूपेश्वर
जो जिला है और नहीं बागेश्वर जिला है और उसके अलावा जो उत्तरकाशी जिला है, इन दो जिलों में सबसे ज्यादा जो वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। तो ऐसे में वन विभाग ने आम लोगों से भी गुहार लगाई है कि जो अपने जो घास के लिए जो जंगलों में आग लगाई जाती है, क्योंकि फिर एक बार से जैसे कि हरियाली हो और उससे ज्यादा जो घास बढ़े, इसको भी कहीं ना कहीं रोकने की बात कर दी गई है। साथ ही जो फायर वाचर है उनकी संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई। तो कह सकते हैं कि तकरीबन 7,000 जो फायर वाचर है पूरे प्रदेश भर में अलग अलग गाँव से चिन्हित किए हुए, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वन विभाग ने उनसे मशक्कत करने की बात कही है कि वो भी आगे आए और कहीं ना कहीं वनाग्नि पर काबू पाए। तो अभी अगर बात करें तो अप्रैल माह है, लेकिन जो आने वाला जो मई और जून का जो महीना है उसमें कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि महज एक महीने के दौरान ही कम से कम अगर बात करें तो 600 से ज्यादा जो घटनाएं हैं वो फिलहाल सामने आ चुकी है और कई जो हेक्टेयर है वन संपदा वो बिल्कुल खाक हो चुकी है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे मसूरी में, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लायंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस मौके पर लायंस क्लब के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लायंस क्लब जैसी संस्थाएं लगातार सरकार की कई पहलुओं पर मदद करती है। उन्होंने कहा लायंस क्लब करीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में या अहम योगदान निभाती है। वहीं समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम भी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि सराहनीय कदम है। सवाल सवालने के बाद जब मैंने मीटिंग ली, मैंने ये देखा कि कुछ अधिकारी कर्मचारी देहरादून में मस्ती मार रहे हैं। उनकी मूल तैनाती किसी की पौड़ी है, किसी की चमोली है, किसी की। मैंने उसी दिन 160 अटैचमेंट खत्म किए, अगले दिन मैंने 46 अटैचमेंट खत्म किए। एक व्यक्ति जो ज्वाइन नहीं कर रहा था उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में 15 लोग मैंने ग्राम विकास विभाग में। मेरा ये मानना है कि देखिए, इस राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की लहर नहीं पहुँच पाती थी, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य निर्माण होने के बाद भी हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी जिनकी वहाँ पर आवश्यकता, अगर वो देहरादून में रहेंगे तो राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए मैंने सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी जो बेहतर होगा जनता के हित में होगा, जनता के लिए होगा, उसको हम किया जाए। मैंने विभाग सवाल में तो वही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब धाम के लिए ऋषिकेश के BTC परिसर में पंजीकरण होना शुरू हो गया है। फिलहाल साधु संत और महात्मा बद्री केदार जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर पैदल यात्रा मार्ग पर जा रहे हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर 1364 भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन से चार धाम यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। सर 20-25 रजिस्ट्रेशन डेली हो रहे हैं और 16 से हमने स्टार्ट कर दिया था। अधिकांशतः तो अभी हमारे बाबा लोग जो हैं वो आ रहे हैं और बाबा लोग तो हमारे ज़्यादातर बद्री केदार जाते हैं और आधे हैं उनमें से जो लोग चारों धाम जाएंगे, तो जो जिस धाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।